हरे कृष्णा। तो आज हम बताएंगे आपको कि हिरण्यकश्यपु क्यों भगवान कृष्ण या विष्णु से ईर्ष्य या द्वेष करता था। क्योंकि जो हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष, वह हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरण्याक्ष से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत स्नेह करता था। किंतु जो हिरण्याक्ष था वह उसको इतना बल था और अपने बल पे इतना घमंड था, वह तीनों लोकों में भ्रमण करता रहता था और सभी को युद्ध के लिए आमंत्रण देता रहता था, सबको चुनौती देता रहता था कि मुझसे आके युद्ध करो, कोई है मेरे जैसा महान वीर। और उसने क्या किया कि पृथ्वी को ले जाकर दशातल में छुपा दिया। और ब्रह्मा जी ने जब अपनी प्रजा उत्पन्न की, सृष्टि के लिए भेजा, तो दक्ष को तो मिला ही नहीं कि पिताजी आप जिस सृष्टि करने के लिए जिस जगह भेजे हैं वो तो पृथ्वी है ही नहीं, हम लोग तीनों लोकों में ढूंढ लें कहीं मिली नहीं। तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए कि पृथ्वी गई कहाँ। तो ब्रह्मा जी जब चिंता कर रहे थे तो उसी समय उनको छींक आई और उनके नासिका से, नाक से एक सरसों के दाने के जितना एक निकला जीवाणु, और वो देखते देखते विशाल हो गया, जो कि भगवान विष्णु थे। और वो वराह रूप, भगवान का वराह अवतार था। क्योंकि वराह, जो वराह होते हैं इनको सूंघने की बहुत शक्ति होती है, ये कुछ भी सूंघ के निकाल सकते कहीं से। तो भगवान गए ढूंढने और समुन्द्र को चीरती हुई समुन्द्र के तलहटी तक गए और वहां से देखा कि पृथ्वी को वहां छुपा रखा है, तो वहां से लेके आ रहे थे। तो इतने में नारद जी ने हिरण्यकश्यपु का जो भाई था हिरण्याक्ष को बोला कि अरे तुम यहाँ चिल्ला रहे हो, सबको बोल रहे हो युद्ध करने के लिए, तुम्हारे हाथों में बहुत खुजली है ना, तो जाओ, भगवान विष्णु आए हैं और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए गए हैं, जाओ तुम उन्हीं से युद्ध करो, तुम्हारे हाथों की खुजली वही मिटाएंगे। तो जब ये गया तो भगवान लेके आ रहे थे, तो देख के वो उनको बहुत सारे ताने मारने, अरे चोर दुष्ट, तुम पृथ्वी, हमें ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बना के सौंपा है, हम पृथ्वी को देखने के लिए हमें रखा है, तू हमारी पृथ्वी को चोरी कर रहा है, दुष्ट कायर, मैं तुझे इतना ललकार रहा हूँ युद्ध करने के लिए और तू धूर्त की तरह भाग रहा है, लज्जा नहीं आती तुझे भागते हुए, ऐसे बहुत सारे कठोर वचनों का उपयोग करने लगा। किंतु भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनके ऊपर उनके जो दो दांत थे उसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई थी। तो भगवान ने समुद्र के ऊपर पृथ्वी को स्थापना किया और फिर उसके बाद उसके साथ हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। और जब यह बात हिरण्यकश्यपु को पता चली तो बहुत क्रोधित हुआ और वो विष्णु से बदला लेने के लिए घोर, और फिर उसने 36,500 वर्ष तक कितना घोर ब्रह्मा जी का तपस्या किया, जिसमें उसके पूरे शरीर में दीमक लग गए थे। और उसने इतना घोर तपस्या किया कि आज तक हमारे वैदिक शास्त्र में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, ऐसा कोई भी तपस्या नहीं है जिसने हिरण्यकश्यपु जैसा कोई तपस्या किया हो। और उसने 36,500 वर्ष तक पूर्ण तपस्या करके ब्रह्मा जी को पसंद किया और ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। और ऐसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो भगवान विष्णु को बहुत ही हर जगह ढूंढने लगा ब्रह्म उनसे अपने भाई के मृत्यु का प्रतिकार लेने के लिए। और फिर अंत में वह भगवान नरसिंह देव के हाथों मारा जाता है। हरे कृष्ण।